राइट ब्रदर्स की ऐतिहासिक उड़ान से 8 साल पहले एक हिंदुस्तानी ने उड़ाया था प्लेन। ₹1500 की ऊंचाई पर उड़ा था विमान। उस हिंदुस्तानी ने बढ़ाई थी देश की शान। हवा को काटता हूं। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र पर उड़ेगा। फिर क्यों खो गया इतिहास में उसका नाम? These bloody Indians have been building some kind of flying machine. Use it, Oko. हवा में उड़ान भरना था जिसका इरादा, वो था हिंदुस्तान का पहला हवाई ज़ादा। शिवकर बापूजी तलपड़े, यही वो नाम था जिसने आधुनिक इतिहास की शायद सबसे बड़ी खोज की थी। उसने हम इंसानों को पर दे दिए थे। साइंस और पुराणों की मदद से शिवकर बापूजी तलपड़े ने उड़ने की तकनीक सीख ली थी और अपनी इस कला को दुनिया के सामने भी पेश किया था। लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में ये कहानी गुमसी हो गई थी। लेकिन मुंबई में नेशनल साइंस कांग्रेस के दौरान जब महान वैज्ञानिक का जिक्र आया तो सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि ये शिवकर बापूजी तलपड़े कौन थे। आज हम आपको साल 1895 में ले चलेंगे और तलपड़े के सबसे बड़ी खोज और उनकी जिंदगी के हर राज से रूबरू कराएंगे। मुंबई की जुहू चौपाटी के ऊपर उड़ते विमान भले ही मॉडर्न साइंस के देन हो, लेकिन आज से 120 साल पहले इसी चौपाटी से उड़ा था विश्व का पहला हवाई जहाज। और आपको बता दें कि इसी जमीन से भारतीय वैज्ञानिक ने उस विमान को, मानव रहित विमान को कंट्रोल किया था। कौन था हिंदुस्तान का पहला हवाई जादा, ये पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। साल 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने दुनिया में पहली बार हवाई जहाज उड़ाने का कारनामा किया था। दुनिया का इतिहास राइट ब्रदर्स को ही पहली बार विमान उड़ाने वाले शख्स के तौर पर देखता है। लेकिन 8 साल पहले मुंबई की जुहू चौपाटी पर यह इतिहास बन चुका था जब एक भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े के बनाए विमान ने आसमान में उड़ान भरी थी। आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी क्योंकि अब तक आपने किताबों में यही पढ़ा है कि राइट ब्रदर्स ही वो पहले लोग थे जिन्होंने एविएशन की शुरुआत की थी। लेकिन इतिहास के धुंधले पन्नों में दर्ज है शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम। और अगर इस इतिहास पर पड़ी धूल को साफ किया जाए तो मालूम होता है कि तलपड़े ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही इतिहास रच दिया था। 1895 में शिवकर तलपड़े ने अपनी पत्नी के साथ विमान का डिजाइन तैयार किया था और फिर एक दिन हजारों लोगों के बीच तलपड़े के विमान ने उड़ान भरी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज से 120 साल पहले उस विमान को रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया था, यानी उस विमान में तलपड़े खुद सवार नहीं थे। आप इसे आधुनिक इतिहास का पहला ड्रोन भी कह सकते हैं। तलपड़े को ये विमान बनाने का आइडिया महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र से आया था, क्योंकि तलपड़े संस्कृत के छात्र थे और बचपन से ही संस्कृत में लिखी गई विमान बनाने की ये तकनीक पढ़ रहे थे। सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो उस दिन मुंबई की जुहू चौपाटी पर शिवकर बापूजी के उस सबसे महान आविष्कार की झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद थी और इस भीड़ में उस वक्त के मुंबई हाईकोर्ट के जज महादेव गोविंद राणा रे और वडोदरा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ भी मौजूद थे। और जिसने भी हवा में 1500 फीट की ऊंचाई पर इस विमान को उड़ते हुए देखा था उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी खोज करने के बावजूद तलपड़े का ये आविष्कार हिस्ट्री में मिस्ट्री बनकर ही रह गया है।
सन 1895 में एक दिन जुहू चौपाटी पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। ऐसे में शिवकर बापूजी तलपड़े के विमान ने यहां से कामयाब उड़ान भरी और एविएशन की दुनिया में इतिहास रच दिया। लेकिन फिर भी आखिर क्यों इतिहास में शिवकर बापूजी तलपड़े को वो हक नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। सन 1895 का एक नमी भरा दिन, स्थान भारत में मुंबई का जुहू समुद्र तट। हजारों लोगों की भीड़ के साथ मुंबई हाईकोर्ट के तत्कालीन जज महादेव गोविंद रनाडे और महाराजा वडोदरा सयाजी राव गायकवाड़ जैसी जानी मानी शख्सियत, जेके स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक अध्यापक शिवकर बापूजी तलपड़े के बुलावे पर पहुंची थी। सामने खुले मैदान में एक अजीब सी मशीन जिसे इससे पहले किसी ने न देखा था न सुना था, भीड़ की नजरों के सामने खड़ी थी। और इस बड़ी सी मशीन के बारे में तलपड़े का दावा था कि वो उसे हवा में उड़ा सकते हैं। विश्वास, कौतूहल, अविश्वास के मिले जुले भावों में डूबी हजारों जोड़ी आंखें उस मशीन को हैरानी भरी निगाहों से देख रही थी। लेकिन तलपड़े आत्मविश्वास से लबरेज थे। उनके हाथों में एक छोटा सा यंत्र था। अचानक उनकी उंगलियों ने उस यंत्र पर कुछ हरकत की। वहां मौजूद लोगों की आंखें उस समय फटी सी रह गई जब घरघराहट की सी आवाज निकालते हुए वो बड़ी सी मशीन धीरे धीरे जमीन छोड़ने लगी। लोगों ने बार बार देखा, आंखें मलमल कर देखा, लेकिन वो मशीन सच में जमीन से ऊपर उठ चुकी थी। एक एक पल बीत रहा था और देखते ही देखते वो मशीन जमीन से कोई 1500 फीट की ऊंचाई पर चक्कर काटने लगी। लोग अपनी आंखों के ऊपर हथेली रखकर हवा में उड़ते उस लोहे के ढांचे को देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद तलपड़े के हाथ में मौजूद यंत्र पर कुछ बटन दबते ही वो मशीन एक गर्जना के साथ जमीन पर आ गई। सन्नाटे को तोड़ती हुई तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। महाराजा वडोदरा सम्मोहन की अवस्था में तालियां बजा रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी तलपड़े को वो श्रेय क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? क्यों 8 साल बाद राइट ब्रदर्स दुनिया में ये कारनामा करने वाले पहले शख्स कहलाए, लेकिन तलपड़े इतिहास के पन्नों में खो से गए? आगे बताएंगे आपको कि क्या तलपड़े के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने किसी तरह का धोखा किया था। सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तलपड़े को उम्मीद थी कि उनकी इस खोज के बदले उन्हें पहचान और पैसा दोनों मिलेगा और वो दुनिया को भी अपने इस आविष्कार के बारे में बता पाएंगे। तलपड़े को उम्मीद थी कि एक दिन इंसान उनके विमान में बैठकर सात समुंदर पार जा पाएगा। और वाकई उस खोज के कुछ सालों बाद इंसान हवाई जहाज से एक से दूसरे देश जाने भी लगे थे। लेकिन तलपड़े से ये श्रेय छीन लिया गया और अमेरिका के राइट ब्रदर्स के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अपनी इस कामयाबी के बाद शिवकर बापूजी तलपड़े को उम्मीद थी कि अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने में उनको लोगों से मदद मिल जाएगी। बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने तलपड़े से मदद का वादा भी किया था, लेकिन न जाने क्यों गरीबी से जूझ रहे तलपड़े के हालात नहीं बदले। फड़फड़ करके इंजन की आवाज आएगी, फिर ये घूमेगा, हवा को काटता हुआ हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्रू पर। कहा जाता है कि इस बीच लंदन की एक कंपनी रिले ब्रदर्स के कुछ लोग तलपड़े से मिलने आए और उनके विमान का डिजाइन मांगा और कहा कि वो इसके बदले में उन्हें एक्सपेरिमेंट पूरा करने में मदद करेंगे। तलपड़े ये चाल समझ नहीं पाए और उन्होंने विमान का पूरा डिजाइन रिले ब्रदर्स के लोगों को सौंप दिया और तब से ये इतिहास बदल गया। कहा जाता है कि ये अंग्रेजों की एक चाल थी। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. अंग्रेजों ने विमान का डिजाइन और तकनीक तो समझ ली, लेकिन तलपड़े की मदद नहीं की। कुछ अपुष्ट दस्तावेज कहते हैं कि यही डिजाइन बाद में राइट बंधुओं को मिला और फिर 17 दिसंबर 1903 को जो हुआ वो इतिहास है। तलपड़े ने अपने विमान को मरुत सखा नाम दिया था जिसका हिंदी में मतलब है हवा का दूत। तलपड़े को यह आइडिया महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ विमान शास्त्र से आया था। विमान शास्त्र में 8 अध्यायों में 3000 श्लोक और 100 खंडों में विमान बनाने की तकनीक का विवरण है। इतना ही नहीं, विमान शास्त्र में भारद्वाज ने विमान बनाने के लिए 500 सिद्धांत दिए हैं और यह भी बताया है कि 32 तरीकों से 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं। और कहा जाता है कि आधुनिक विमान बनाने में भी ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल होता है।
लेकिन जिस शास्त्र की अहमियत वैज्ञानिक आज समझ पाए हैं, उसे शिवकर बापूजी तलपड़े ने 120 साल पहले समझकर इतिहास रच दिया था। एहसान अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनके आविष्कार के बारे में हमने आपको बताया, और जो कहानी हमने आपको सुनाई वो जरूर आपको फिल्मी कहानी लग सकती है, लेकिन इस असली कहानी में कुछ विलेन भी थे जिन्होंने न सिर्फ तलपड़े को धोखा दिया बल्कि उन्हें जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचा दिया जहां सिर्फ मौत उनका इंतजार कर रही थी। क्या रेलवे प्रदस्त ने विमान का डिजाइन हासिल करने के लिए शिवकर बापूजी तलपड़े के साथ धोखा किया था, और क्या लंदन से अमेरिका पहुंचा यही डिजाइन राइट ब्रदर्स की सफलता की वजह बना था, और क्यों तलपड़े की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। जिस कंपनी ने तलपड़े से विमान का डिजाइन धोखे से लिया था वो कंपनी ब्रिटेन से ताल्लुक रखती थी, लेकिन कुछ तथ्य ये भी कहते हैं कि डिजाइन बाद में राइट्स बंधुओं को मिल गया। राइट्स बंधु तो रातों रात मशहूर हो गए और तलपड़े गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि तलपड़े का विमान हवा में सिर्फ 20 मीटर उड़ा था और 17 मिनट बाद क्रैश कर गया। वैसे इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी किसी तरह की मदद न मिलने से शिवकर तलपड़े काफी परेशान थे, और इस बीच पत्नी की मौत ने भी उन्हें तोड़ दिया। 53 साल की उम्र में 1917 में शिवकर बापूजी तलपड़े की मौत हो गई। इसके बाद हवाई जहाज के उस ढांचे को तलपड़े के रिश्तेदारों ने बेच दिया। हवा में उड़ान भरने वाले पहले हिंदुस्तानी की दास्तां आज भी पहेली बनी हुई है, लेकिन ना तो कभी सरकारी तौर पर और ना ही निजी तौर पर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की गई। और अब एक फिल्म के जरिए शिवकर बापूजी तलपड़े की कहानी बड़े पर्दे पर दिखाए जाने की कोशिश होने वाली है। आगे देखिए क्या फिल्म हवाईजादा हिंदुस्तान के पहले हवाईजादे की जिंदगी से जुड़े असली राज दिखा पाएगी। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तलपड़े की कहानी हमने आपको सुनाई और ये बिल्कुल असली कहानी है और इतिहास के पन्नों में मौजूद भी है। अब इसी शानदार इतिहास और तलपड़े के साथ हुए धोखे को एक फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि ये कहानी कितनी कामयाबी से तलपड़े की दास्तान लोगों को बता पाती है। शिवकर बापूजी तलपड़े पर आधारित फिल्म बनाई गई है हवाईजादे, जिसमें हवाईजादे की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना। फिल्म काल्पनिक बायोपिक होने के साथ साथ उस राज से पर्दा उठाने का दावा करती है जिसमें इतिहास में इस पहले हवाईजादे का क्रेडिट छीन लिया गया। हवाईजादा डायरेक्टर विभू पुरी की पहली फिल्म है और इसमें आयुष्मान खुराना शिवकर बापूजी तलपड़े की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर के मुताबिक इस फिल्म को काफी रिसर्च के बाद बनाया गया है। लेकिन फिर भी ये फिल्म किसी ऐतिहासिकता का दावा नहीं करती। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. लेकिन उम्मीद है कि फिल्म कुछ हद तक तलपड़े की जिंदगी से जुड़ा सच दिखा पाएगी। दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी। फिल्म 30 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी और हिंदुस्तान के पहले हवाईजादे की कहानी आम लोगों को बताएगी। तो उसके डुक 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 की आवाज में सोनल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।